आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। भू माफिया ने रुपए 50 का फर्जी स्टाम्प दिखाकर कर रहे अवैध कब्जा, ऐसो खुदी तहरीर नहीं सुनी पुलिस। थाना सौराव प्रयागराज, इंडिया आज तक लाइव टीवी रिपोर्ट अंजनी विश्वकर्मा। गीता देवी पत्नी लल्लू दर्जी निवासी ग्राम जादोपुर थाना सौराव की रहने वाली 25 सालों से अपने घर में रहती थी। और दबंग संतलाल पटेल, भू माफिया किस्म का व्यक्ति है जो गरीब को आए दिन इसी तरह सताता रहता है और ग्राम प्रधान की बात नहीं सुनते। ग्राम प्रधान जी का कहना है कि आप चार भाइयों का बंटवारा था तो चारों भाई आपस में जब 30 वर्ष से बांट चुके हो तो, और उदित नारायण ने दूसरे भाई की जमीन संतलाल पटेल को रुपए 50 का फर्जी स्टाम्प पर बेचने का क्यों दावा करता है और शराबी और गंजेड़ी किस्म का व्यक्ति है। जब इसके पास पैसा नासा पत्ती के लिए खत्म हो जाता है तो लल्लू दर्जी के घर जाकर अवैध वसूली करता है और जान से मारने की धमकी देता है और झगड़ा लड़ाई गाली गलौज करता रहता है। इन्हीं के ग्रुपों से 20 लोगों ने गांव में पंचायत करते हैं और पंचायत में ग्राम प्रधान जी भी आते हैं। उनका बयान होता है कि आप सब लोग लल्लू दर्जी को क्यों फर्जी परेशान कर रहे हो, इतने कहने के बाद बात नहीं बनती है। और जो चरस गांजा के दलाल लोग होते हैं वो लोग गांव में पंचायत कराते हैं। पंचायत करने वालों के नाम है जोखू, बंशी, हीरालाल, संतलाल, बुलाकी, राम आसरे, राम सिंह, श्यामी दूधे, पासी इत्यादि लोगों ने पंचायत में निर्णय लेते हैं कि घर से तुम बाहर निकालोगे तो तुमको जान से मार देंगे। इसकी सूचना एसओ सराव हल्के के दरोगा को 10 दिन पूर्व में तहरीर दी गई। पुलिस विभाग की ओर से कोई सहायता मदद नहीं की गई और एसएसपी प्रयागराज को भी एक लिखित सूचना दी गई जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे घर, हमारे द्वार, हमारे सब कुछ उनका खपड़ा पर रोटी वाला है। घर अपने में सामान वो बेचे इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।